हेलो हाय वंस अगेन वेलकम टू वन चैनल। और जैसे लास्ट टाइम की तरह इस टाइम भी जैसे को उसके पीटीएम 2 में कुछ मिला है स्कूल से, तो देखते रहिए उसका रिएक्शन और क्या मिला है। क्योंकि रिएक्शन ही बोल देता कि क्योंकि लास्ट टाइम उसको जो मिला था ना वो हैप्पी नहीं था, बहुत ही सैड हो गया था। तो इस टाइम देखिए उसका एक्सप्रेशन क्या है। तो इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि स्किप करोगे तो अब वो क्यूट सा एक्सप्रेशन वो जो है वो मिस कर जाओगे। तो इसलिए पूरा वीडियो को देखिए। और आप अगर फर्स्ट टाइम विजिटर हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए। तो देखिए ये ऋषि खोल रहा है, अनबॉक्सिंग कर रहा है, उसका क्या मिला है स्कूल से, लाया क्या है वो देखने के लिए। तो अनबॉक्सिंग के लिए उसके पापा का हेल्प लिया थोड़ा सा, तो वो निकाल रहा है एक एक करके चीज़ जो जो है उसके बॉक्स में। तो बॉक्स में उसका क्या क्या है, पहले ये कुछ टिशू जैसा कुछ निकाला है, क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। कुछ वाइट सा है, कुछ विंग्स जैसा दिख रहा है, पर क्या है क्या ये, तो क्या है वो देखने के लिए नेक्स्ट देखते हैं उसमें क्या क्या आता है। और फिर क्या है इसमें, उसमें तो स्टिंग जैसा कुछ पाइप और स्ट्रो जैसा कुछ निकला है, और क्या निकल रहा है, कुछ कलरफुल, कुछ जिंक पिंक लगा हुआ है कुछ चीज़ है, ये क्या चीज़ भाई ये। अच्छा इसमें कुछ गाइड लिखा हुआ है कि उसमें एक हनी बी है, तो हनी बी जैसा हनी बी बनाने के लिए वो सारे सामान दिया हुआ है, तो आपको उसमें हनी भी मैक करना रहेगा। तो पहले ऋषि समझ नहीं पाया था क्या चीज़ है, फिर बाद में उसको समझ में आया कि ये हनी भी बनाना है, तो वो बहुत ही हैप्पी हो गया हो। तो देखते रहे, देखिए उसका एक्सप्रेशन क्या है, क्यूट सा एक्सप्रेशन है। तो हनी भी बनाने के लिए दो स्टिंग्स चाहिए होता था, तो दो स्टिंग्स है इसमें, और एक उनको स्टोरी बुक मिला है। तो स्टोरी बुक क्या होता है, वो पेरेंट्स के लिए होता है, पेरेंट्स स्टोरी पढ़ा के उसको सुनाते हैं, क्योंकि बच्चे तो अभी छोटे हैं, ये लोग सुनने मतलब पढ़ना नहीं आता है अभी, तो बस पेरेंट्स लोग पढ़ के उसको सुनाएंगे बच्चे को। तो अभी तो ये बन गया है, मिल गया है उसको मतलब सारे सामान। तो अभी फिर नेक्स्ट है उसको हनी भी बनाना है। तो हनी भी बनाने के लिए पहले ये जो सारे सामान को पहले इकट्ठा लेके उसको आराम से तैयार करना रहेगा, क्योंकि और ये तो छोटा है अच्छे से नहीं बना पाएगा, तो उसके लिए उसके पापा हेल्प करेंगे उसको क्या क्या। तो देखिए उसने हनी भी बन रहा है, वो हनी भी बनने के लिए वो पहले तो सिर पर लगा लिया, दो स्टिंग्स भी लगा लिया है, विंग्स भी लगा लिया पीछे पर स्प्रिंग्स, और जो गला का था ना थोड़ा सा उसको टाइट हो रहा था, तो कंफर्ट नहीं लग रहा था उसको, वो बोला था कि चिपक रहा है चिपक रहा है। उड़ने भी लग गया, देखो हमारा हनी भी अभी उड़ने लगा है, ये उड़ गया हनी बिन, संभालो उसको, संभालिए संभालिए, जा रहा है हनी बिन उड़ के। फिर बोल रहा है कि बाकी जो सारे सामान है वो क्या करना है, पहले उसको समझ में नहीं आ रहा था कि बाकी सारे सामान है, ये तो विंग्स है, विंग्स तो लगा लिया, पर बाकी जो सामान है उसको क्या करें। तो इसका ना तो बाकी सामान जो था वो विंग्स में लगाना था, ताकि विंग्स कलरफुल हो, क्योंकि हनी बी का जो विंग्स होता है बहुत ही कलरफुल रहता है, बहुत ही सुंदर रहता है, सबको बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए इसने भी सारे जो सामान हैं, तो उसका जो जिंक बोर्ड जो भी दिया हुआ था स्कूल से सारे आइटम्स, उसको वो सारे चीज़ उसको विंग्स में लगा लिए। तो उसके बाद देखिए हनी बी का विंग्स कितना कलरफुल बन गया है अभी, और हनी बी भी अभी कितना हैप्पी है, और उसके पापा उसको तैयार कर रहे हैं, पूरा हनी बी को तैयार कर रहे हैं। पर हनी बी का क्या, वो सिर थोड़ा बड़ा है, तो ये जो दिया हुआ है वो थोड़ा मतलब सही से उसको नहीं लग रहा है, तो अभी लग गया है उसको। फिर हनी भी अभी उड़ने के लिए तैयार है, आप सब सावधान रहिए, हनी भी आ रहा है, हनी बिन आ रहा है अभी, ये देखिए हनी बिन भागते जा रहा है, कितना जोर तेज भाग सकता है वो हनी बिन भाग रहा है। तो इसीलिए इस बार तो जो मिला है स्कूल से जो किट मिला है, तो उसके मतलब वो पा के तो ऋषि बहुत ही हैप्पी है, तो उसका एक्सप्रेशन में आप भी समझ पा रहे हो कितना हैप्पी है। तो ये था बस छोटा सा एक क्लिप जो हम शेयर करना चाह रहे हैं आपके साथ, तो आप देखिए तो आपको कैसा लगा वो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोज़। बाय बाय।